Hey guys, what's up? I hope you all are doing good and welcome back to my channel Living It Right. So today I am visiting Raichauk and it is going to be a travel vlog. And today I am going there with my friends. And abhi hum log idhar almost 6 baj gaya and it is near about 50 kilometers from my place. So I hope to reach that place by 9:30 or 10. And hum log ne abhi tak breakfast bhi nahi kiya hai. So we'll have something on the road probably, I guess. So let's see how it goes. And also my friends are there with me. So let's see how the vlog goes and I'll check up on you guys on the road. धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही. So guys, we are on our way and अभी we are just near the temple. एंड अभी हम लोग रास्ते में रुके. आई नो साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज यू नो हाईवे तो हॉर्न वगैरह बज रहे हैं. तो अभी हम लोगों ने कुछ खा के नहीं निकला था तो वी डिसाइडेड टू स्टॉप एट अ टी स्टॉल. एक नॉर्मल साइड टी स्टॉल है तो वहाँ पे वील हैव सम चाय एंड देन वील जस्ट कंटिन्यू द जर्नी. आँखों के किनारों में बहाने ही सही. हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है. सो गाइज, हम लोग अभी स्वामीनारायण टेम्पल आए थे आफ्टर हैविंग टी. हम लोग इधर ही आए डायरेक्ट, लेकिन इधर पे हम लोगों को टाइमिंग्स एग्जैक्टली मालूम नहीं थे. इधर आने पे मालूम पड़ा. अभी हम लोग शायद शाम के टाइम, अगर टाइम एडजस्ट होता है कि ये, क्योंकि ये मंदिर 4 बजे खुलता है. मैं आपको रियर कैमरा से व्यू दिखाता हूँ लेकिन अभी ये ओपन नहीं है टूरिस्ट के लिए. वी वेंट एंड वी स्पोक टू द गार्ड्स. So I'll give you shots of the rear camera, from the rear camera. So you guys can have a look. ती राहों में धड़कने भी तेज है, अब क्या करें? वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें? शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां. Guys, we have almost reached Raichauk and वहाँ का जो डायमंड हार्बर से जो वो हाईवे था वो उतना अच्छा नहीं था क्योंकि यू नो ये बहुत, मतलब बहुत कंजस्टेड हाईवे था और यू नो बीच में बहुत सारे विलेजेस वगैरह है. बट अभी हम लोग Raichauk एंटर कर लिए एंड नाउ द हाईवे लुक्स फाइन. एंड यहाँ का जहाँ पे हम लोग रुके यहाँ का लोकेशन भी बहुत सही है. मैं आपको रियर कैमरा से दिखाता हूँ. एंड वी डिसाइडेड टू क्लिक सम फोटोज़ ऑन द वे और हम लोग ऑन टाइम ही है ऑलमोस्ट. आई गेस इट्स 9 और अभी हम लोग Raichauk पहुँच गए. तो अभी हम लोग इधर थोड़ा फोटो वोटो लेके वील जस्ट यू नो वील जस्ट कंटिन्यू विद द जर्नी. So guys, हम लोग अभी जस्ट Raichauk फोर्ट पहुंचे एंड द प्लेस इज क्वाइट एम्प्टी ओवर हियर. और सिक्योरिटी गार्ड था जो कि हम लोगों का यू नो बॉडी टेम्परेचर चेक और सैनिटाइज वगैरह करवाया. एंड द प्लेस इज क्वाइट ब्यूटिफुल, द एम्बियंस इज क्वाइट नाइस. इट इज़ अ वीक डे इसीलिए इतना खाली है. मैं आपको जगह थोड़ा घूम के दिखाता हूँ. इट्स वेरी प्रिटी. It's a very good location for a one day trip from Kolkata. It is very near to Kolkata, only near about
50 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। इट्स आप लोग इधर वीकडेज को विजिट कर सकते हो, वीकेंड को भी आ सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि वीकडेज पे आओ क्योंकि ज़्यादा खाली मिलेगा एंड आई काइंड ऑफ प्रेफर यू नो क्वाइट मतलब प्लेसेस दैट आर नॉट सो क्राउडेड लाइक साइलेंट पीसफुल प्लेसेस। हम लोगों ने गार्ड्स से बात किया आज, ओनली सिर्फ इतने बड़े प्रॉपर्टी में सिर्फ एक रूम बुक्ड है एंड इट्स ऑलमोस्ट फुल एम्प्टी अभी। मे बी ड्यू टू द कोविड क्राइसिस लोग जो मतलब लोग कम आ रहे हैं एंड यू नो अभी पूल वगैरह भी बंद है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, आई डोंट नो हाउ क्लियर इट इज़, यू नो पूल वगैरह भी बंद है, पानी वानी नहीं है, बेबी पूल भी है एंड यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ओवर हियर लाइक फ्रॉम साइकिल स्टैंड टू यू नो चिल्ड्रंस पार्क। हवाओं में चले हैं हम कहीं, हम जो चाहे दिल को वो पता है या नहीं। इफ यू वॉन्ट इफ यू आर प्लानिंग टू कम और हैव अ स्टेकेशन काइंड ऑफ अ थिंग लाइक जस्ट कम टू अ प्लेस लाइक अ रिसोर्ट लाइक दिस एंड have all sort of facilities over here and have some amazing peaceful time, you can you should definitely visit Raichauk Fort. Like main to rear camera se aap logo ko dikhaunga views, it is very pretty and very calm and nice, like matlab you know it's like a mood refresher totally. Hum chale baharon mein gungunati raahon mein dhadkane bhi tez hain ab kya kare। सो गाइज फ्रॉम रायचौक फोर्ट अभी हम लोग गंगा कुटी रहे, यहाँ मतलब गंगा के एकदम पाड़ में ही है एंड द प्लेस इज़ क्वाइट नाइस ओवर, मतलब इन लोगों का जो कैंपस है मतलब यहाँ पे प्राइवेट बंगलोज वगैरह भी है, इट इज़ मतलब ग्रीनरी ऑल अराउंड एंड इट इज़ वेरी यू नो पीसफुल एंड रिलैक्सिंग। अभी हम लोग गंगा के पार जा रहे हैं तो उधर से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है सीन वगैरह। गाइज हम लोग अभी उसके कैंपस से बाहर आ गए, मतलब वो फोर्ट रायचौक और गंगा कुटीर के कैंपस से बाहर आ गए, तो हम लोग अभी एक मतलब वहाँ पे ये तो पूरा मतलब बाय द गैंजेस ही है, तो हम लोग इधर पे आके और एक गंगा का घाट मिला, द गैंजेस इज राइट बिहाइंड मी। तो इधर पे क्या एक लाइट हाउस भी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मेरे पीछे एग्जैक्टली। तो इधर पे क्या इधर पे यू नो बसेस वगैरह इधर से ही जो मतलब रायचौक टू कोलकाता के जो बसेस वगैरह है वो सब इधर से ही मतलब चालू होते हैं एंड ऑल्सो देर इज़ अ जेटी काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े हैं अभी। इट्स क्वाइट हॉट बट लेकिन ये प्लेजेंट हॉट है, मतलब ऐसा नहीं है मतलब बहुत गर्मी लग रहा है हम लोगों को। सो गाइज इट्स ऑलमोस्ट नियर अबाउट आई गेस 11:30 हो रहा है और हम लोग अभी रायचौक से निकल गए। भाई थोड़ा धीरे चलाना, किस बात की जल्दी है तेरे को। तो हम लोग आई ऑल्सो टुक अ डिप इन द गैंजेस, हम मेरे को गंगा में नहाना बहुत मज़ा आता है, इट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब प्रॉब्ली 4-5 years के बाद मैं गंगा में नहाया एंड आई एम यू कैन सी माई हेयर इज स्टिल वेट एंड स्टफ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट तो उधर फोर्ट रेडिसन में रायचौक फोर्ट पे ही किया था एज यू गाइस नो, और अभी हम लोग देखते हैं कि रास्ते में ही लंच करने का प्लान है एंड वी होप टू रीच कोलकाता बाई 3 or 4, उसके अंदर पहुँच जाएंगे आराम से। Oh,